जी कैफोर आज के लेक्चर का आगाज करते हैं, लेक्चर नंबर 65। और आज के लेक्चर से हम स्पेसिफिक डिस्कशन स्टार्ट। भाई खड़े क्यों हैं आप? खड़े क्यों हो? सारे बैठे हुए, आप क्यों खड़े हो? क्यों खड़े हो भाई जान? आप ये आप कल भी खड़े थे, क्यों खड़े होते हैं आप? रोज क्यों खड़े होते हैं? रोज क्यों खड़े होते हैं? पहले कैमरे की तरफ मुंह कर लिया। बैठ जा भाई, असाइनमेंट करके आया करें यार। क्यों नहीं असाइनमेंट करते? आज के लेक्चर में हम जो तीन एग्जांपल्स पढ़ी हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, इससे पहले हमारे जितने भी दो तीन लेक्चर्स थे इसमें हमने वो कंसेप्ट डिस्कस किए जो कि जनरल कंसेप्ट थे। जनरल कंसेप्ट से मुराद वो सारे के सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे वैलिड थे, अप्लाई होते थे। अब हम स्पेसिफिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। स्पेसिफिक डिस्कशन का मतलब यह है कि अभी जनरल डिस्कशन खत्म, अब हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का तीन हिस्सों में क्लासिफाई किया। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसरी नोट की और उन कंसेप्ट की जो प्रॉमिसरी नोट पे अप्लाई होते हैं। कल के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज की, और फिर उसके बाद दो या तीन लेक्चर होंगे सिर्फ और सिर्फ चेक के ऊपर। तो अब ऑनवर्ड हमारे जो लेक्चर हैं वो स्पेसिफिक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक होंगे, यानी आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे प्रॉमिसरी नोट की, कल के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज की, और उसके बाद वाले लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे चेक की। यह है स्पेसिफिक डिस्कशन, ठीक है। आगे चलने से पहले कल तक के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, कोई भी लफ्ज समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हाइब्रिड में? कोई क्वेश्चन हाइब्रिड क्लास में? कोई क्वेश्चन फिजिकल में भी? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए फिर मर्जी आपकी, आगे चलते हैं। प्रॉमिसरी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या पढ़ेंगे? प्रॉमिसरी नोट में हम प्रॉमिसरी नोट में पढ़ेंगे डेफिनेशन, हम प्रॉमिसरी नोट में पढ़ेंगे इसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट, हम प्रॉमिसरी नोट में पढ़ेंगे लाइबिलिटीज के प्रॉमिसरी नोट में कौन पार्टी होती है लाइबल, और फिर फॉर्मेट। फॉर्मेट स्पेसिमेंट हमने कल भी पढ़ लिया, आज दोबारा से समझ लीजिए कि आपकी एक एक हिसाब से रिवीजन हो जाएगी। कल की होम असाइनमेंट में आपको तीन क्वेश्चंस दिए थे, छोटे छोटे क्वेश्चन। इस आज के लेक्चर के एंड पे हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके साथ में आज के लेक्चर के भी ना कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं वो डिस्कस करवा रहा हूँ, ताकि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से वो हमसे इन कंसेप्ट्स की एप्लीकेशन पूछेगा केस स्टडीज में, ताकि घर जाके जब आप होम असाइनमेंट करें तो कुछ आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरीके से एप्लीकेशन है। प्रॉमिसरी नोट में सबसे पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन सबसे अहम, डेफिनेशन सबसे अगर डेफिनेशन को आपने पढ़ लिया ना तो बेसिकली इसके जो एसेंशियल्स हैं आपको पता है एसेंशियल्स भी डेफिनेशन से ही अक्सर डिराइव होते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन एसेंशियल्स उसी से बहुत से डिराइव हो जाते हैं, फ्रॉड की डेफिनेशन एसेंशियल उसी से डिराइव हो जाते हैं, एग्री कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, कंसिडरेशन की डेफिनेशन। तो एसेंशियल्स अगर डेफिनेशन अच्छे तरीके से हम समझ लें ना तो बहुत से एसेंशियल्स डेफिनेशन से ही कवर हो जाते हैं। तो हम सीखने जा रहे हैं डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन? प्रॉमिसरी नोट की। प्रॉमिसरी नोट बताइए, प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस टू पे होगा कि ऑर्डर टू पे होगा? नाम में ही लिखा हुआ है प्रॉमिसरी नोट, तो ये प्रॉमिस टू पे होगा। तो सबसे पहले सुन ले, कह रहा है प्रॉमिसरी नोट क्या है? प्रॉमिसरी नोट क्या है? कहता है सुन लो, प्रॉमिसरी नोट है ये है रिटर्न, ये कोई रिटर्न चीज होती है, जबानी कलामी वर्बल चीज प्रॉमिसरी नोट नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट वर्बली हो जाता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्बली नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट वर्बली हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ इजाजत दी है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने कहा है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सारे के सारे राइटिंग होंगे, वर्बली कोई नहीं होगा। तो प्रॉमिसरी नोट भी रिटर्न हो, अगर किसी बानी कलामी वादा करे हमसे, सर मैं 1 महीने बाद वादा करता हूं आपको 10,000 रुपये अदा कर दूंगा, क्या वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का रिटर्न होना जरूरी है, रिटर्न समझ आई बात? अनकंडीशनल होना जरूरी है, आप कोई कंडीशन अटैच नहीं कर सकते। आप कहेंगे आई विल पे यू रुपीज 1,000 आफ्टर 1 मंथ, ये नहीं कहेंगे आई विल पे यू रुपीज 1,000 आफ्टर 1 मंथ इफ आई पास इन द एग्जाम, इफ आई पास इन द एग्जाम, कंडीशनल नहीं हो सकता। अगेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कंटिंजेंट हो सकता है। ये क्या कहता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल नहीं होगा, अनकंडीशनल होगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो प्रॉमिसरी नोट क्या होगा? अनकंडीशनल का मतलब आप साथ में कंडीशन अटैच नहीं कर सकते। पैसे अदा करने हैं तो कुछ भी हो जाए, पैसे अदा करने हैं, आंधी आए तूफान आए, ठीक है पैसे अदा करने हैं। अगर ये लिख दें कि अगर आपकी फैक्ट्री में आग लगी तो हम आपको 1 लाख रुपया अदा करेंगे, क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो है, प्रॉमिसरी नोट नहीं है। प्रॉमिसरी नोट का अनकंडीशनल होना जरूरी है,
अनकंडीशनल होना जरूरी है। आगे चलते हैं। इट इज ए रिटन, रिटन क्लियर हो गया, अनकंडीशनल समझ आ गया। अगला लफ्ज प्रॉमिस, प्रॉमिस ये वादा होना चाहिए, वादा होना चाहिए। किस चीज का वादा? पैसे पे, कोई और वादा नहीं किसी का। सर मैं वादा करता हूं शदीद मेहनत करूंगा, हर रोज 2 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा और पास हो जाऊंगा, वादा करता हूं। चलो प्रॉमिस टू मैरी, वो प्रॉमिस वो भी है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो भी प्रॉमिस होगा हमेशा किस चीज का होगा? पैसे। कहते हैं पैसे के अलावा किसी भी चीज का प्रॉमिस हुआ तो वो फारिग है, पैसे। तो प्रॉमिस होना चाहिए। अच्छा, एक होता है प्रॉमिस वादा, एक होता है ऑर्डर। एक होता है प्रॉमिस, एक होता है ऑर्डर। प्रॉमिस क्या है? आई प्रॉमिस टू पे यू ₹10,000। अच्छा, वो अक्सर ना प्रॉमिसरी नोट में वर्ड प्रॉमिस आता है लेकिन वो कहता है प्रॉमिस आना लाजमी नहीं है। अगर मैं सिर्फ इतना भी लिख देता ना प्रॉमिसरी नोट के ऊपर, आई विल पे यू ₹10,000, तो ये भी प्रॉमिस ही समझा जाएगा। ठीक है, ये भाईजान कहते हैं सर मैं वादा करता हूं दिन रात मेहनत करूंगा, ये भी प्रॉमिस है। और ये कहें सर मैं दिन रात मेहनत करूंगा, ये भी प्रॉमिस ही है। प्रॉमिस का वर्ड आना जरूरी नहीं। अच्छा, बताना क्या चाह रहा हूं कि प्रॉमिस में और ऑर्डर में फर्क है, प्रॉमिस में और ऑर्डर में फर्क है, और प्रॉमिस और एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट में फर्क है। प्रॉमिस में और ऑर्डर में फर्क है, प्रॉमिस में और एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट में फर्क है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट क्या है? अब ये सुनने जरा, मैं स्टेटमेंट दे लूंगा, आपने ढूंढना है कि ये प्रॉमिस है कि नहीं। इसमें मैं आपका 10,000 रुपए का मकरूज हूं, ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट तो है कि मैंने आपसे उधार लिया हुआ है, प्रॉमिस रुपए नहीं है। मैं आपका 10,000 रुपए का मकरूज हूं, ले सकते हैं तो लेके दिखाएं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, प्रॉमिस रुपए कोई नहीं है। तो प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है? प्रॉमिस रुपए। अगर सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। हाँ, अगर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट के साथ प्रॉमिस रुपए भी है वो प्रॉमिसरी नोट हो जाएगा। यानी प्रॉमिस रुपए होना जरूरी है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट हो या ना हो। मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट यानी सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट प्रॉमिसरी नोट नहीं है, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट प्रॉमिसरी नोट नहीं है। प्रॉमिसरी नोट में क्या होना जरूरी है? प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस टू पे। और अगर ये हो पे रुपीज 10,000 टू हिम, मैं ऑर्डर लगा रहा हूं उसको, भाई उसको पे करो, उसको पे करो, उसको पे करो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल सुने जरा लाके तरतीब से। आई एम इंडेटेड टू यू फॉर रुपीज 10,000, एक्नॉलेजमेंट टू डेट है, प्रॉमिस टू पे नहीं है, एग्रीड, ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ इंडेटेड टू यू फॉर रुपीज 1,000 विच आई विल पे यू ऑन डिमांड। इसमें लफज प्लीज नहीं है, प्रॉमिस ना, प्लीज के लफज से फर्क। प्लीज बेसिकली एक सॉफ्ट सा वर्ड है जो हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, असल में इसे डिसीजन नहीं होता। लफज प्लीज से डिसीजन नहीं कि प्रॉमिस नोट है कि नहीं। ठीक है, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू, ठीक, प्रॉमिस। इवन प्रॉमिस का लफज भी अगर बाजूकात प्रॉमिसरी नोट में ज़हन में रखिएगा, बाजूकात प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस का लफज भी नहीं होता, तो आपने सेंस से अंदाजा लगाना है। सेंस, सेंस क्या? आई विल पे यू रुपीज 10,000 आफ्टर 1 मंथ, प्रॉमिस रुपए है, क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? बिल्कुल है। अच्छा सुनिए, पे रुपीज 10,000 टू हिम, ये प्रॉमिस है, ऑर्डर है, प्रॉमिस नहीं है, क्योंकि मैं पे करने का प्रॉमिस नहीं कर रहा, मैं इसको कह रहा हूं भाई तू पे कर, इसको कह रहा तू पे कर। अब सुनिएगा, ये प्रॉमिस है कि ऑर्डर है कि कुछ भी नहीं है? अब सुनिए, पहले सुन तो ले। पे टू रुपीज, पे रुपीज 10,000 टू हिम प्लीज, प्लीज का वर्ड है, प्लीज का वर्ड। क्या प्लीज के वर्ड के साथ भी ऑर्डर हो सकता है? बिल्कुल ऑर्डर हो सकता है, ये ऑर्डर है। क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? पे रुपीज 10,000 नहीं है। क्या ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है? क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर टू पे है। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में फर्क ही यही है। प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस टू पे है,
बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर टू पे है, और जिसमें ना प्रॉमिस टू पे हो ना ऑर्डर टू पे हो, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट हो, वो ना प्रॉमिसरी नोट है और ना ही बिल ऑफ एक्सचेंज है। नहीं समझ लगी बात ये? नहीं समझ लगी? आई एम लायबल टू पे यू रुपीज 10,000, एक्नॉलेजमेंट ना प्रॉमिसरी नोट ना बिल ऑफ एक्सचेंज। आई विल पे यू रुपीज 10,000, प्लीज पे हिम रुपीज 10,000, ऑर्डर है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज है। प्लीज गिव दिस बुक टू हिम, कुछ भी नहीं है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल इन मनी ओनली होता है, बुक में थोड़ी होता है। तो अब बताइए ये प्रॉमिस समझ लगे आपको? प्रॉमिस इसमें आपको दो चीजें बताई हैं, एक प्रॉमिस और एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट में फर्क है, और दूसरी चीज क्या बताई है, प्रॉमिस में और ऑर्डर में फर्क है। ये दोनों बातें समझ आ गई हैं? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट क्या है? मैं ये तो मान लिया कि मैं मकरूज हूं, देनदार हूं, देने का वादा नहीं किया, ये है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं होता। उसी तरह प्रॉमिस में और ऑर्डर में फर्क है। अगर मैं कहूं कि मैं पैसे अदा करूंगा, ये प्रॉमिस है, लेकिन अगर मैं किसी और से कहूं भाई तुम पैसे अदा करो, ये वादा नहीं है मेरा, ये मैंने उसको ऑर्डर दिया है कि दूसरे को पे करो। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं है, ऑर्डर टू पे ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं है। प्रॉमिसरी नोट क्या है? प्रॉमिस टू पे। और चाहे प्रॉमिस का लफ्ज आए या ना आए, अक्सर आता है, लेकिन स्टिल आपने अगर कोई बंदा कह रहा है कि मैं पे करूंगा, मैं पे करूंगा, मैं पे करूंगा, ये प्रॉमिस है, चाहे प्रॉमिस का वर्ड लिखे या ना लिखे, भाई प्रॉमिस समझ आ गया? अगर लिखा हो प्लीज पे हिम चेक ऑफ रुपीज 10,000, ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज सिर्फ सम ऑफ मनी, हाँ शाबाश, चेक भी कैश नहीं है, सम ऑफ मनी नहीं। आगे चले, अच्छा डॉलर मनी है? डॉलर नहीं है, पाकिस्तानी करेंसी, ये चीज पाकिस्तानी करेंसी, वरना तो वो कहेगा सर चेक भी तो पाकिस्तान है, वो तो चेक को भी बना देगा पाकिस्तान, जैसे कायदेवान की तस्वीर। अगला लफ्ज साइंड, साइंड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, साइन करे मेकर, शाबाश बेहतरीन। दूसरी पार्टी कौन होती है प्रॉमिसरी नोट में? पे। साइन किसके होने चाहिए, मेकर के, पे के, दोनों के? मेकर के। सिरा एक बात आई कैप ने लिखी समझाने के लिए, और फिर उसके बाद एक सवाल स्टूडेंट ने पूछा। अब मैं आई कैप वाली बात बताऊंगा, आपने जो स्टूडेंट ने सवाल पूछा वो बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने स्टूडेंट के साथ सलूक का किया। पहले मेन कंसेप्ट क्या, प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय मेकर। मेन कंसेप्ट क्या है, प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय मेकर। आई कैप ने आगे क्या समझाया, अगर मेकर पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट है, अंगूठा छापेगा, अंगूठा लगा देगा। हाँ आ गया ना ये सवाल, अगर उसका अंगूठा नहीं है, गैस की है, कहानी में गैस की है। सर इसके बारे में लास्ट साइलेंट है, 10 उंगलियां हैं, कोई एक भी लगा दे, बाकी वो भी उंगलियां भी उतरवा देगा, कहेगा कि 10 की 10 उंगलियां ना हो। तो भाई यहां तक लॉ की यहीं तक लिमिट है। साइंड, साइंड समझ आ गया? साइंड के साथ अंगूठा भी बता दिया आपको। साइंड कौन साइन करे? मेकर साइन करे। प्रॉमिसरी नोट कौन साइन करता है? बिल, एक्स्ट्रा कंसर्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन साइन करता है? ड्रॉअर और ड्राई। और चेक कौन कौन साइन करता है? ड्राई, शाबाश। ड्राई कौन था? नहीं नहीं, ड्राई किसी ने कहा है कि चेक को ड्रॉअर और ड्राई वो पास करता है, तो वो साइन है नहीं, वो बैंक का साइन नहीं होता, वो कैशियर के साइन होते हैं, बैंक के नहीं होते, बैंक के नहीं होते। तो चेक को कभी भी एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं होती, वो बैंक के साइन के बगैर भी चेक वैलिड होता है। क्या बैंक के चेक के बगैर, बैंक के साइन के बगैर चेक वैलिड नहीं होता? होता है ना, होता है, क्यों नहीं होता है? बैंक के साइन के बगैर वैलिड होता है, होता है, वो जान के कह रहा है, होता है, होता है, ठीक है। अच्छा अगला लफ्ज समझ आ गया, साइंड बाय मेकर, मेकर भी समझ आ गया? मेकर
टू पे, मेकर भी बता दिया आपको, क्योंकि पार्टी प्रॉमिसरी नोट में होगी मेकर और पे, बिल ऑफ एक्सचेंज में होगी ड्रॉअर ड्राइव पे, और चेक में होगी ड्रॉअर बैंक और पे, क्योंकि हमने पढ़ा है चेक के केस में ड्रॉई हमेशा बैंक होगा, हमने पढ़ा है चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड होगा, हमने पढ़ा है चेक के केस में उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज की टाइप है, इसमें नॉर्मल कंसेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज वाले लगते हैं, लेकिन स्टेट बैंक जो दरमियान में आ गया ना, उसने अपनी तरफ से भी कुछ कंसेप्ट ऐड कर दिया। टू पे सर्टन, सर्टन सर्टन का मतलब क्या है? कंफर्म, कंफर्म, ठीक है। मैं आपको इतने पैसे दूंगा आप खुश हो जाएंगे। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता था, कॉन्ट्रैक्ट ये प्रॉमिसरी नोट भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अमाउंट सर्टन नहीं है, अनसर्टन है। ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट, क्योंकि वैलिड प्रॉमिसरी नोट में सर्टन अमाउंट होनी चाहिए। अच्छा आप सुने, आई विल पे यू ₹10,000 आफ्टर डिडक्टिंग नेसेसरी एक्सपेंसेस, अमाउंट नॉट सर्टन। आई विल पे यू ₹10,000 प्लस योर कमीशन फॉर दिस मंथ, आई विल पे यू सैलरी ऑफ ₹10,000 प्लस योर सेल्स कमीशन फॉर दिस मंथ, आंसर, क्योंकि पता ही नहीं कमीशन कितना है, कहते हैं कंफर्म अमाउंट होनी चाहिए। अच्छा अब जरा सुनिए, अब ये तो इजी एग्जाम्पल थी, अब ट्रिकी एग्जाम्पल। आई विल पे यू ₹10,000 प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट है सर्टन, है सर्टन, है सर्टन, है सर्टन, अनसर्टन है, इसलिए कि इंटरेस्ट में रेट मेंशन नहीं है, इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है, इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है। चलो आगे, ₹3.5 का सवाल है। अच्छा, पीरियड भी अनसर्टनिटी में आ सकता है। आई विल पे यू ₹10,000 आफ्टर 1 month प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर। बताइए सर्टन है कि नहीं अमाउंट? इंटरेस्ट का रेट मेंशन है, लेकिन इंटरेस्ट 1 महीने का मिलेगा कि 2 महीने का कि 3 मिलेगा? 1 महीने, ये सर, ये भी सर्टन है। कैसे सर्टन है? और जितने पीरियड का प्रॉमिसरी नोट है उतने पीरियड का ही तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये भी अगर इंटरेस्ट रेट मेंशन हो जाए ये सर्टन है, और अगर इंटरेस्ट रेट मेंशन ना हो ये सर्टन नहीं है, सर्टन नहीं है तो वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है। तो ये अगला लफ्ज समझ आ गया सर्टन वाला, सर्टन। भाई प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम, रिटन समझ आ गया? अनकंडीशनल प्रॉमिस साइंड मेकर सर्टन सम ऑफ मनी, आई विल पे यू, आई विल डिलीवर यू फर्नीचर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी आफ्टर 1 month, प्रॉमिसिंग नोट है। आई विल डिलीवर, आई विल गिव यू ₹10,000 आफ्टर 2 month, आई विल गिव यू ₹2,000 प्लस शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड कंपनी, पैसे हैं और शेयर हैं, शेयर शेयर तो आधा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा आधा नहीं होगा, कि पूरा ही नहीं है, पूरा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है शेयर्स आर नॉट निगोश, ये सम ऑफ मनी होना चाहिए पेएबल। सम ऑफ मनी के अलावा, पैसों के अलावा कोई भी चीज अगर पे करनी है, डिलीवर करनी है दूसरे बंदे को, वो प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट नहीं है, सम ऑफ मनी। टू ए स्पेसिफाइड पर्सन और हिज ऑर्डर, टू ए स्पेसिफाइड पर्सन और हिज ऑर्डर, ठीक है, किसी स्पेसिफाइड पर्सन को पेबल होगा या उसके ऑर्डर पे, बेरर नहीं होगा। हाँ, इसमें नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा स्पेसिफाइड पर्सन, इससे हमें यह मतलब समझ आया प्रोमिसरी नोट पेबल टू बेरर नहीं होगा, प्रोमिसरी नोट हमेशा पेबल टू ऑन ऑर्डर होगा, ये समझ आया इसे, प्रोमिसरी नोट पेबल टू बेरर। क्यों क्यों ने डेफिनेशन में लिखा है, क्या लिखा है डेफिनेशन में? पेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन आर हिज ऑर्डर्स का मतलब है प्रॉमिसरी नोट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा, पेबल टू बेरर नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है।
इंडोर्समेंट हो सकती है, इंडोर्समेंट हो सकती है इसकी, तभी ऑर्डर ही रहेगा। इंडोर्समेंट भी फुल्ली हो सकती है, ब्लैंक नहीं करनी। पेएबल टू बेरर नहीं होगा, इंडोर्समेंट भी फुल करनी। पे का हम ना तो आगे सन ऑफ लिखा होगा ना, सन ऑफ लिखा होगा। हाँ अच्छा, अब भाई ये डेफिनेशन से मैं जाके इसमें एक एक लफ्ज हमने डिस्कस कर लिया, अब जरा इसके सेंशल देख लेते हैं। सबसे सेंशल अगर आपने डेफिनेशन पढ़ लिया तो ये सारे रिपीट ही हो रहे। पहला, इट मस्ट मीन राइटिंग, पढ़ा हमने, पता क्या सीखा इसमें? वर्बल्स बानी कलाम में प्रॉमिस टू पे वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, ऑर्डर टू पे सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट नहीं होनी चाहिए, डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, अगर कंडीशनल है तो प्रॉमिसरी नोट, अनकंडीशनल होना चाहिए, कंडीशनल नोट नहीं है। अगर लिखा जाए आई विल पे यू रुपीज 10,000 आफ्टर सीज डेथ, आफ्टर सीज डेथ, क्या ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड है? ये वैलिड है। आई विल पे यू रुपीज 10,000 आफ्टर सीज डेथ, कल बताया था डेथ सर्टन होती है, डेथ सर्टन होती है। हाँ, लेकिन ला ने इसीलिए एग्जाम्पल दी कि डेथ सर्टन होगी, डेथ सर्टन होगी। अगर आप कंडीशन इतनी ही बात कर रहे हैं तो वो कहता है आई विल पे यू रुपीज 10,000 आफ्टर 1 मंथ, ये आफ्टर 1 मंथ भी तो कंडीशन है कि महीना गुजरने के बाद पैसे तक, ये कंडीशन नहीं है। अगर आप कहते हो आई विल पे रुपीज 10,000 इन सखर इन लैंड इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी तो कंडीशन है कि सखर में पेमेंट होगी महीना नहीं होगी। कहता है नहीं, कंडीशन जो लॉ ने कह दिया वो कंडीशन है, जो लॉ ने नहीं कहा वो कंडीशन। तो लॉ ने क्या कहा? डेथ, किसी की डेथ के बाद पेमेंट करना, ये कंडीशनल है, प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं है। और अगर सॉरी वैलिड है, और अगर लिखा हो आई विल पे आफ्टर सीज मैरिज, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि डेथ सर्टन है, मैरिज अनसर्टन है, डेथ सर्टन है, मैरिज अनसर्टन है, डेथ सर्टन है, मैरिज सर्टन नहीं है। तो मौत को याद करते हैं, आइंदा वादा करें जितनी दफा मैरिज को याद करेंगे डेथ को भी याद करेंगे, बल्कि डेथ को एक दफा ज्यादा करेंगे। क्यों? डेथ सर्टन है, डेथ सर्टन है, मैरिज अनसर्टन है, मैरिज अनसर्टन है। तो किसकी तैयारी, किसकी तैयारी ज्यादा करनी चाहिए? जो सर्टन है, डेथ सर्टन, साइंड बाय मेकर। ये अनकंडीशनल समझ आ गई ना बात, के अनकंडीशन होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट को, लेकिन लॉ कहता है इंस्ट्रूमेंट जो के लिंक कर दिया गया है डेथ के साथ वो सर्टन है, वो अनकंडीशनल समझेंगे, वो वैलिड है, लेकिन जो मैरिज के साथ लिंक किया गया अनसर्टन है, वो वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। ये डेथ और मैरिज को मिक्स नहीं करना आपने। साइंड बाय मेकर, समझ आ गए? वो भी समझ आ, ठीक। सर्टन सम ऑफ मनी, पैसे होने चाहिए और कंफर्म हो। कंटिंजेंट एडिशन और डिडक्शन, अगर कंटिंजेंट का मतलब जो सर्टन नहीं है, सर्टन नहीं है कि प्लस जरूरी खर्चे, इसे वैलिड नहीं रहता प्रॉमिसरी नोट। सर्टन पार्टीज, पार्टी सर्टन होनी चाहिए, सर्टन मतलब सर्टन पार्टी मतलब कौन पैसे देगा, किसको देगा, वैसे फुल डिटेल होनी चाहिए एड्रेस के साथ। प्रॉमिस टू पे लीगल टेंडर, पाकिस्तान की करेंसी, शेयर्स नहीं, डॉलर नहीं, यूरो भी नहीं। नॉट पेबल टू बेरर, ये क्या कह रहा है? प्रॉमिस नॉट पेबल टू बेरर नहीं हो सकता, तो वो तो हमने पढ़ा था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी बेरर और ऑर्डर, वो जनरल था ना, वो हो सकता है किसी और पे अप्लाई। यहां पे तो स्टेट बैंक ने क्लियरली कह दिया, क्या कह दिया? अच्छा, आई कैब की बुक में ना एक जगह पे वो कहता है डेफिनेशन में, डेफिनेशन उसने उठाई हुई है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, और आगे प्रॉमिसरी नोट नॉट पेबल टू बेरर, ये स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है, ये लिखी हुई है। तो स्टूडेंट जब डेफिनेशन पढ़ता है ना, तो डेफिनेशन कहां थी प्रॉमिसरी नोट की? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, आई कैब की बुक की बात करो, हमारी आई कैब की, आई कैब की बुक में जब आप पढ़ेंगे ना, उसमें डेफिनेशन में लिखा होगा पेबल टू बेरर भी है, लेकिन फिर आगे चल के कह रहा होगा पेबल टू बेरर नहीं है। तो स्टूडेंट कहता है सर ये क्या कभी पेबल टू बेरर है, आप गलत पढ़ा रहे हैं, आपने क्लास में कहा था पेबल टू बेरर नहीं होता, देखिए आई कैब की डेफिनेशन में लिखा है प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर है। तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं भाई आगे चल के देख आई कैब खुद कह रहा है, क्या कह रहा है,
कि प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी पेबल टू बेरर। फिर कहता है सर समझाइए कंफ्लिक्ट क्यों है। कंफ्लिक्ट इस वजह से है कि डेफिनेशन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से उठाई है 1831 से, और जो प्रॉमिस नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेरर ये किसने कहा? स्टेट बैंक ने बाद में कहा। अब होना तो ये चाहिए था कि इनकंसिस्टेंसी को रिमूव कर दिया जाता, लेकिन नहीं किया, आई कैप की मर्जी। लेकिन मैंने बता दिया, किस लिए बताया? ताकि जो स्टूडेंट आई कैप की बुक यूज कर रहे हैं वो कल को मेरे सामने ये ना शेयर करें, क्या सर इधर देखें एक प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर भी आ रहा है, वो डेफिनेशन का हिस्सा क्यों है? क्योंकि डेफिनेशन उधर से आई है। आगे फिर आपने पूरा कंसर्ट पढ़ लेना, आगे जाके ये भी आई कैप ने लिखा हुआ है, क्या प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेरर। ये बात समझ आ गई? स्पेसिमन, अच्छा नहीं लाइबिलिटी भी पढ़ ले। कौन लायबल है पे करने के लिए, पैसे अदा करने के लिए? पैसे कौन अदा करेगा? प्रॉमिसरी नोट अदा करेगा पैसे। पैसे कौन अदा करेगा? उन्होंने पैसे अदा नहीं करने, उनकी तरफ ना देखें। पैसे कौन अदा करेगा? मेकर अदा करेगा। कौन अदा करेगा? मेकर अदा करेगा। कौन करेगा? क्या करेगा? किसको? पे को। शाबाश, पे को पैसे अदा करेगा, मेकर इज लाइफ। और अगर ये प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो जाए, अच्छा डिसऑनर होने का मतलब क्या होता है भला? डिसऑनर होने का मतलब है कि आप पेमेंट लेने के लिए लायबल पार्टी के पास गए, टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक उसने कहा भाग जाओ कोई पेमेंट नहीं है, हालांकि आप टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक गए थे। अगर आप चेक लेके बैंक के पास जाए ना, पोस्ट डेटेड चेक, और बैंक कहे भाग जाओ कोई पेमेंट नहीं है, ये डिसऑनर ऑफ चेक नहीं है, ये डिसऑनर ऑफ यू है। भाई तेरे को इतना नहीं पता पोस्ट डेटेड चेक की पेमेंट नहीं होती, जब तक चेक के ऊपर जो डेट लिखी हुई है वो डेट नहीं आ जाती पेमेंट नहीं होगी। कहां से ला पढ़ के आए हो? पता नहीं पोस्ट डेटेड चेक की पेमेंट नहीं होती, स्टेल चेक की पेमेंट भी नहीं होती। पोस्ट डेटेड चेक और स्टेल चेक में क्या फर्क है? अगर आज तारीख है 1 जुलाई, मैं आपको चेक देता हूं 1 जुलाई 2023 का, आज 22 है, पोस्ट डेटेड है कि स्टेल? और अगर मैं 1 जुलाई 2021 का चेक दूं? स्टेल। तो पोस्ट डेटेड स्टेल चेक। लेकिन अगर टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक जाएं आप और बैंक पेमेंट ना करे तो इसे क्या कहते हैं? डिसऑनर। तो हम टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक मेकर के पास गए, मेकर ने पेमेंट, यह क्या होता है? डिसऑनर। अच्छा आप जरा सुन लीजिए, नॉर्मली मेकर इज लायबल टू पे, मेकर की लायबल, भाई उसने प्रॉमिस किया ना आई प्रॉमिस टू पे, तो आई फिर पे करेगा ना मेकर, किसको पे करेगा? पे ही को। यहां किसको पे करेगा? जिसको पे ही ने इंडोर्स कर दिया हो। प्रॉमिसरी नोट की इंडोर्समेंट हो सकती है? यस हो सकती है। हाँ प्रॉमिसरी नोट मेकर लायबल टू पे, टू पे, क्या यहां पे मैं बेरर लिख दूं? बेरर होता ही नहीं प्रॉमिसरी नोट में। शाबाश। अच्छा ये जी बात लिखी है, मुझे समझ नहीं आ रही, कह रहा है मेकर इज लायबल टू पे टू पे या इंडोर्सी, नॉट टू मेकर। उनको थोड़ा ही करेगा ये, तो मुझे एग्जांपल याद आ गई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने भी एक एग्जांपल दी थी कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए, अपने आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो ये अपने आप को पैसे है, लेकिन एक अजीब बात लिखी हुई है, अजीब बात लिखी हुई है, क्या? ए प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू बेरर वाइड है, ओके, प्रॉमिसरी नोट पेबल टू हिमसेल्फ वाइड है। अगली ट्विस्ट सुने जरा, प्रॉमिसरी नोट पेबल टू हिमसेल्फ बट इंडोर सब्सिक्वेंटली इंडोर्स टू अदर पार्टी, मिस्टर ए ने प्रॉमिसरी नोट लिखा पेबल टू मिस्टर ए, ये वाइड है। मिस्टर ए ने प्रॉमिसरी नोट लिखा पेबल टू ए और फिर बाद में उसको इंडोर्स कर दिया बी को, अब दोनों पार्टीज डिफरेंट हो गई, अब दो पार्टीज आ गई, अब दोनों पार्टीज आ गई, कैसे दोनों पार्टीज आई? ए और बी, अब प्रॉमिसरी नोट नहीं समझ आई ना, नहीं समझ। प्रॉमिसरी नोट, ए ने प्रॉमिसरी नोट लिखा जो पेबल टू ए है वो खुद को, वो वाइड है क्योंकि ए की पार्टी है, लेकिन अगर बाद में उसको बी को इंडोर्स कर दिया फिर क्यों पार्टियां दो हो गई? ए, अब ए ने पैसे अदा करने हैं और बी ने, हम इसको यूं समझेंगे जैसे अब ऐसा हो गया जैसे ए मेकर है और बी पे ही है, बी पे ही है, भी बात समझ आए? ब्लैंक इंडोरमेंट से प्रॉमिसरी नोट बेरर हो नहीं जाता,
अभी थोड़ी देर पहले ये बात हुई थी, तो उसमें हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इंडोर्समेंट हमेशा प्रॉमिसरी नोट की फुल होनी चाहिए, प्रॉमिसरी नोट की इंडोर्समेंट फुल होनी चाहिए, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, जनरल के स्पेशल, उसका दूसरा नाम क्या है, स्पेशल, शाबाश। तो ये बात समझ आ गई, मेकर इज लायबल टू पे आर एंडोर्सी, पे आर एंडोर्सी, पे भी लिखा है एंडोर्सी भी लिखा है, नॉट टू मेकर क्यों लिखा है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू मेकर इज इंडोर्स्ड बाय मेकर, वैलिड है कि नहीं? प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू मेकर, प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू मेकर एंड इंडोर्स्ड बाय मेकर, क्योंकि इंडोर्स हो गया ना, नहीं हुआ इंडोर्स, हो गया इंडोर्स, नहीं समझ आई? कहे सर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, एग्जांपल समझ। ये है प्रॉमिसरी नोट, आज की डेट है जिस दिन प्रॉमिसरी नोट लिखा गया, ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर असद पे ए सम ऑफ रुपीज 500,000 फॉर वैल्यू रिसीव, रेवेन्यू स्टैंप लगे, जो वादा कर रहा है उसे साइन किया अली भाई ने, असद भाई वैलिड प्रॉमिसरी नोट है, ये कहां से वाइड है भाई? यारे भाई ये तो हाइपोथेटिकल है ना मेरे भाई, मेरे दोस्त, हाइपोथेटिकल है, ये लीजिए, छोटी छोटी बातों पे आप नाराज हो जाते हैं, देखें ये ठीक है, अब ठीक है, ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर असल समर फिर फॉर वैल्यू सी, क्या ये प्रॉमिसरी नोट है, वैलिड है? ओके ओके ओके। अब क्या हुआ, अब हुआ ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे अली सन ऑफ मिस्टर असगर ए सम ऑफ रुपीज 500,000। अब क्या हुआ, प्रॉमिसरी नोट पेबल टू मेकर हो गया, पेबल टू मेकर हो गया, ये वर्ड है भाई, समझ आई? ओ भाई अच्छा पूछ के तो फिर देख ले मेरा भाई, ये वाइट हो गया, क्यों वाइट हुआ, खुद को पे कर रहा। अब क्या किया अली ने, अली ने इधर लिखा बशीर और आगे सिग्नेचर कर दिया, अब ये वैलिड हो गया, क्यों भला? अब अली ने अली को पैसे नहीं देने, अली ने बशीर को पैसे देने, पहले एक पार्टी थी इसलिए वाइट हुआ, दो पार्टी ने इसलिए वैलिड हो गया, ये बात समझ आए? ठीक है, तो ये मेकर इज लायबल टू पे टू पे या इंडोजी, नॉट टू मेकर हिमसेल्फ, ये समझ आ गई, नॉट टू मेकर हिमसेल्फ, लेकिन अगर हिमसेल्फ पेबल हो भी उसकी इंडोर्समेंट करते हैं वो फिर क्या हो जाएगा, अगर डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे, ड्यू डेट पे ये प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो गया, ड्यू डेट पे प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो गया, तो अब की बार इसे समझा जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक तरह से, एक तरह से अब की बार मेकर ने सिर्फ प्रॉमिसरी नोट की अमाउंट नहीं देनी, बल्कि जो सरचार्ज है, जो नुकसान हुआ है, उस पार्टी को कंपनसेट भी करना है। किसको कंपनसेट करना है, किस पार्टी को? जिसको प्रॉमिसरी नोट दिया था, ये चीज प्रॉमिसरी नोट, उसका नुकसान हुआ होगा ना, और कुछ भी ना सही, आने जाने का किराया तो कंपनसेट करेगा ही ना, और ओरिजिनल पैसे भी देगा, तो मैंने प्रॉमिसर की लाइबिलिटी बता दी आपको, जब वो पेमेंट करेगा तब भी, और अगर वो पेमेंट नहीं करता ड्यू डेट पे, डिसऑनर हो जाता है तब भी बता दी, तब उसे कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी, अमाउंट तो देनी ही देनी होगी, कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी, कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी। कुछ कुछ समझ आए? वगैरह बशीर, बशीर ने, अली ने किसको इंडोर्स किया,
बशीर ने कामरान को किया, कामरान ने फिर अली को कर दिया इंडोर्स। अब क्या हुआ? अब फिर वाइड हो गया, फिर वाइड हो गया, क्योंकि पेबल टू हिमसेल्फ हो गया ना। इसे असल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहता है, एक वर्ड यूज करता है, कहता है जब प्रोमिसर ही प्रोमिस ही बन जाए तो कॉन्ट्रैक्ट फारग है। जब प्रोमिसर ही प्रोमिस, जिसने पैसे देने हैं वो और जिसने पैसे लेने हैं वो एक ही हो, तो ये अकाउंटिंग में भी आपको सिखाते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री सुना कभी आपने? वो इसी चीज का नाम है। एक ही बंदे से पैसे लेने भी है देने भी है, सेट ऑफ कर दो, ये भी सेट ऑफ हो रहा है। अगला क्वेश्चन भी पूछ लो कि बाद में फिर अगर अली इंडोर्स कर दे तो नहीं पूछ ले। ठीक है मेहरबानी। अब आपके पास है 3.5 मिनट, इसमें आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 इसको पढ़ लीजिए, मैं तब आज तक आपके क्वेश्चन सेटअप करता हूँ। हाँ क्वेश्चन सेटअप करता हूँ, आप तड़प तड़प के फोत भी हो जाएंगे ना। केसरी मैंने करानी ही करानी है, करानी ही करानी। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए कभी, अल्लाह ना करे। हाँ तो आपके तड़पने से, कुरलाने से, कलपने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। 3.5 मिनट हैं आपके पास, रीडिंग कर लीजिए ताकि जल्दी जल्दी केस स्टडी का जवाब देके जल्दी जल्दी छुट्टी करके घर जाए। ठीक है जी, कल क्लास होगी, होगी बिल्कुल होगी जी। पॉज कीजिएगा जी, केस स्टडीज की तरफ चलते हैं। छोटी छोटी केस स्टडीज है। कह रहे 21 बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक मुझे बताओ ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर फॉलोइंग आर प्रॉमिसरी नोट और नॉट। कि ये प्रॉमिसरी नोट है भी के नहीं है। पहला, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी, नॉट प्रॉमिसरी नोट। क्यों? रीजन भी बतानी है। अच्छा रीजन लाजमी बतानी है, सिर्फ यस नो नहीं करना। नो, बिकॉज इट इज कंडीशनल। बी, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 ऑन डीज डेथ Provided deal is me enough to pay the sum. ये वैलिड है? नहीं। क्यों वैलिड नहीं है? ये भी अच्छा कंडीशन डेथ है कि इनफ मनी है? इनफ। अगर यहां तक रहता ना, यहां तक, फिर ये वैलिड प्रोमिसरी नोट होता, क्योंकि डेथ सर्टन समझी जाती है। ये अनसर्टन डेथ की वजह से नहीं है, अनसर्टन इनफ टू पे द सम। पता नहीं इतने पैसे छोड़ के जाता है कि नहीं, तो अगर वो इतने पैसे छोड़ के चला भी जाए फिर भी ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड है। 500 है। सी, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एज सून एज आई कैन। ये भी कंडीशनल है, सर्टन टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, ये भी अनसर्टन है, तो वैलिड प्रॉमिस नोट नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 7 days आफ्टर सीज डेथ, डेथ सर्टन है, मैरी सर्टन नहीं है। डेथ सर्टन है, मैरी सर्टन। किसकी ज्यादा तैयारी करनी है? डेथ की। I promise to pay B rupees 500 and all other sums which shall be due to him. I promise to pay and all valid है कि नहीं? Half valid है। 500 भाई, यहाँ तो पूरे का पूरा promissory note valid होता है, ये पूरा पूरा valid। ये all other sums which shall be due to him, certain sum of money नहीं है। इसमें contingent addition आ गया, add किया जा रहा है। contingent कहते हैं उस amount को जो confirm नहीं है। कंटिंजेंट एडिशन आ गया, ये अब अमाउंट सर्टन, अमाउंट सर्टन नहीं है तो प्रॉमिसरी नोट भी नहीं है। ओके आगे चलते हैं। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड ऑल फाइंस अकॉर्डिंग टू रूल्स। क्यों नॉट? शाबाश, कंटिंजेंट डिडक्शन है या एडिशन है, ये भी सर्टन नहीं है सम। प्रॉमिसरी नोट ये भी वाइड है। क्लियर हुआ? तुम जाइए, जब हमसे पूछेगा वैलिड है कि नहीं है कोई भी चीज, सिर्फ यस नो कर देंगे ना, रीजन भी बताएंगे। हाँ रीजन कभी ये होगी कि राइटिंग में नहीं है, प्रॉमिस टू पे नहीं है, साइन नहीं है, कुछ भी हो सकती है। 18 बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ पास्ट पेपर का, अटेंटिव हो जाएं, फोकस्ड फोकस्ड। बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर प्रॉमिसरी नोट्स आर नॉट। पहला, आई प्रॉमिस टू पे राहत ऑन डिमांड ₹5000 एट माई कन्वीनियंस। कंडीशनल हो गया, पता नहीं कब कन्वीनियंट हो, होना हो कल, होना हो कन्वीनियंट, होना हो तो अनसर्टन हो गया ना, तो ये वैलिड प्रॉमिसिंग नोट नहीं है। ऑन डिमांड, आई प्रॉमिस टू पे सोनू आर ऑर्डर ₹5000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, वैलिड है ना। आगे क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑल एसेंशियल्स आर मेट।
वैलिड होने की क्या रीजन होती है? थर्ड, आई प्रॉमिस टू पे आदिल आर ऑर्डर फीस 5000 एंड 500 शेयर ऑफ सिग्मा लिमिटेड। ये मेरा है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस तरह का कोई कंसर्ट था, ये 5000 के लिए वैलिड है, 500 के लिए वॉइड है, और पूरे का पूरा ही वॉइड है। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट ओनली पेबल इन मनी ओनली, इट इज नॉट पेबल इन मनी ओनली। नेक्स्ट फोर, आई प्रॉमिस टू पे माही आर ऑर्डर रुपीज 5000 विद इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट क्वार्टरली रेस्ट। क्यों इंटरेस्ट रहता सही? रेट नहीं है, शाबाश, अनसर्टन, ठीक है, अमाउंट सर्टन नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे यू आर योर सक्सेसर ऑन डिमांड रुपीज 10,000। सक्सेसर का मतलब होता है, इसमें मेरा और आई कैप का थोड़ा सा इख्तलाफ है। आई कैप क्या कह रहा है? कह रहा है सक्सेसर को ना पता ही नहीं है, तो इसीलिए पार्टी सर्टन नहीं है, ये वर्ड है, ठीक है, बस आगे चलते हैं। सिक्स, आई प्रॉमिस टू पे रफी आर ऑर्डर रुपीज 10,000 सेवन डेज आफ्टर सालिक्स डेथ। वैलिड है क्योंकि डेथ सर्टन है। अच्छा, अगर ये होता है आई विल पे टू सालिक रुपीज 10,000 सेवन डेज आफ्टर सालिक्स डेथ, करने के बाद साली कैसे में, और अभी 7 दिन के बाद, और ढांचा बड़ा होगा उधर, उधर पैसे देने जाएगा, उसने कहा इधर ही आ जा। सेवन, आई एम लायबल टू पे अहमद रुपीज 5000 एक्नॉलेजमेंट टू डेट है, प्रॉमिस टू पे है ही नहीं। 15, आई एम साइंड ए प्रॉमिसरी नोट, डिस्कस द पोजिशन ऑफ पार्टीज। अनम कौन है? मेकर। महा कौन है? 16, मारिया ड्रॉन ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन जहरा वर्डेड एज 2 months आफ्टर डेट, पे टू हुसैन आर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 5000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, डिस्कस द पोजीशन ऑफ पार्टीज। अच्छा, ये ऊपर वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा था, कैसे पता चला? प्रॉमिस, दो प्रॉमिस से पता चला कि दो पार्टी से? हाँ, शाबाश। फिर इसके बाद, अच्छा, प्रॉमिसरी नोट लिखा हुआ, हाँ सही है, सही है। 16, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? बिल ऑफ एक्सचेंज, कैसे पता चला? पे टू हुसैन से के 3 पार्टी से, क्या लिखा हुआ है? लिखा 3 पार्टी से। मारिया कौन है? जोहरा कौन है? हुसैन कौन है? 17, साइमा ड्रॉन ए चेक ऑन एबीसी बैंक पेबल टू बिलाल और ऑर्डर, डिस्कस द पोजीशन ऑफ पार्टीज। साइमा कौन है? बैंक कौन है? ड्रॉर कौन है? बिलाल कौन है? शाबाश, ये इतना था क्वेश्चन, ऐसे आप परेशान हो रहे थे। तो असाइनमेंट नोट कर लें, असाइनमेंट रिटर्न, ये कल लाजमी असाइनमेंट है, कल चेक होगी सर। क्या 18 और 20 कर लिया है तो क्लास में किया है ना, अभी नहीं पढ़ा, प्रोमिसरी नोट मस्ट बी इन राइटिंग, तो असाइनमेंट भी मस्ट बी इन राइटिंग, वर्बल असाइनमेंट इज नॉट वैलिड, राइट इन। आज का लेक्चर यहां खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।